नमस्कार, मैं महक सहानी आपका स्वागत करती हूँ जनोदय में। आज हम बुराड़ी के उत्तराखंड पार्ट टू एनक्लेव में हैं, जहाँ पे घरों के आगे दीवार खड़ी कर दी गई है। लोगों को इतनी दिक्कतें आ रही हैं, इतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि घर के गेट के आगे आधी आधी दीवारें खड़ी कर दी गई है। लोगों को कितनी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पर। आपका नाम? सीमा। तो ये जैसे दिक्कतें खड़ी, तो इससे पहले आपकी परमिशन ली गई थी कि इसको हम दीवारें खड़ी कर दें आपके घर के बाहर या नहीं? नहीं, जब तो अपने आप ही आए थे, वो करके चले गए। तो आपने कुछ कंप्लेन नहीं करी उनके खिलाफ? अभी कुछ नहीं करी हमने। अच्छा, तो आप घर के बाहर कैसे निकल के आते हैं? अभी सीढ़ी लगा रखे लोहे की, क्या करें, बच्चे छोटे छोटे, क्या करना पड़ता है। वो कर, हम तो अब जहाँ तक चले गए, हमारी सरकार ने वो कर रखा है, वो तो करना ही पड़ेगा हमें। आपका नाम? पूजा सर। तो पूजा जी, आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। तो पहले ऐसी कभी दिक्कतें आई हैं आपको यहाँ पर? नहीं, पहले कभी नहीं आई। तो अभी से ही आ रही है दिक्कतें, जो रोड खड़ी कर दी घरों के बाहर? नहीं, ये तो पहले ज़्यादा होती थी, अब कम है। अच्छा, पहले तो इतना पानी भर जाता था, जाने में दिक्कत होती थी रोडों में, अभी थोड़ा भरान हो गया तो थोड़ा कम हो रहा है। आपका नाम? नीलम। नीलम जी, तो आपको जैसे यहाँ पे आपकी दुकान है, कितने सालों से आपकी दुकान? 1 साल। 1 साल ही हुआ है। और यहाँ पे कितने साल से रह रही हैं आप? 8 साल। अच्छा, से तो जितनी दिक्कतें आ रही, जैसे आप यहाँ पे देख ही रहे हैं कि दीवार बढ़ा रहे हैं, आपके यहाँ पे बढ़ा दिए, तो कितनी दिक्कत आपको झेलनी पड़ी है? बहुत दिक्कत है, देख रहे हो कितना नीचे चला गया मकान, कहाँ से उधर उधर से चढ़ चढ़ के आते हैं। तो जो छोटे बच्चे आपके यहाँ पे, तो कीड़े मकोड़े भी अंदर आते हैं, क्या क्या तकलीफें आ रही है? सांप अंदर चले जाते हैं घर में, क्या क्या तकलीफें आ रही है? और बहुत परेशानी है। अब बारिश होगी तब देखना, सारा पानी घर में ही जाएगा, नहीं जाएगा पूरा, यहाँ से नाला भी सारा टूटे हुए हैं, सारा पानी अंदर ही जाएगा। Please like, subscribe our channel Jan Uday and hit the bell icon.